5-2-5 का ये मैच टॉस जीता और पहले कोर्ट लेते हुए और जोध का दोनों टीम ग्राउंड में पहुंच जाए भाई। बहुत ही अच्छा एंकल होल्ड कैप्टन की तरफ से, बहुत ही अच्छा, खुद ही टैकल किया, खुद ही रेड के लिए गए हैं, डी को टच किया और वापस आते हुए थोड़ी जल्दी ज्यादा दिखाते हुए पूरा टाइम ले सकते थे लेकिन अपनी कैच पे ज्यादा बिलीव करते हुए अच्छा प्रयास, एक और अच्छा टैकल, बहुत ही शानदार खेल। अच्छा खेल दिखाते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे, हर रेड पे तालियां बजनी चाहिए, बच्चों का पूरा हौसला बढ़ाना चाहिए सभी गांव वालों को, दर्शकों को खाली रेड के साथ। रेडर काफी ज्यादा तेज होते हुए नंबर हैप्पी रेड होते हुए एक और रेड शुरू करते हुए बहुत ही अच्छा टेकल, थोड़ा सा पेशेंस रखते आराम रखो, आराम से खेलिए बच्चे। डुअल डायरेक्ट सुपर टेकलोन था लेकिन एक पॉइंट लेते हुए स्कोर पहुंचा, जल्दबाजी दिखाते हुए कैप्टन लेकिन शायद 3 पॉइंट 2 पॉइंट दो पॉइंट रेफरी का निर्णय। रेफरी का निर्णय 2 पॉइंट आते हुए, अभी खिलाड़ी थोड़ा इनको टाइम दिया जाए, रेड के लिए बताया जाए इनको, स्कोर पहुंचा फेफाना 7-2। दाबी और जोध का ग्राउंड में आ जाए भाई, मैच कैंसिल हो जाएगा, वरना अगर इसे मैच के हाफ टाइम के बाद नहीं पहुंचे तो मैच कैंसिल हो जाएगा जी। फेफाना के कैप्टन एक बार फिर से रेड के लिए जाते हुए एम्प्टी रेड करते हुए, बार बार एम्प्टी रेड मार रहे हैं। शायद टीम में सबसे छोटे हैं खिलाड़ी लेकिन पूरी टीम को कंट्रोल करते हुए, 2 मिनट बचे हैं हाफ टाइम के, प्रमोद करेंगे रेड, ये थोड़े हम बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते खिलाड़ियों के, लेकिन दर्शकों को उम्मीद थी कि उनके लेवल से किसी खिलाड़ी को रेड भेजना था। लास्ट वन मैन आर्मी क्या बन पाएंगे अपनी टीम के लिए, डी को अच्छे से टच किया, अकेले वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे, पॉइंट लेके आना होगा, चलते फिरते रहेंगे तो अच्छा मौका होगा उनके पास। हाफ टाइम से पहले टाइम 1 मिनट 25 सेकंड बचे हैं, कैप्टन खुद गए हैं रेड करने के लिए, एक प्लेंटी होती हुई फेफाना बहुत ही जोश में खेलती हुई, कमेटी का सदस्य है जिसके पास भी मोर है वो पहुंच जाए भाई, वेटिंग मोर किसके पास है वो पहुंच जाए भाई। अच्छा टैकल करते हुए फेफाना के खिलाड़ी, लास्ट 50 सेकंड बचे हैं, कैप्टन अपनी टीम को पूरा बता के लेके आए हुए हैं, कैप्टन ने इंटरेस्टिंग बॉल दी थी, रेड आउट, कैप्टन ने इंटरेक्शन दी थी, ताली बजा के इशारा भी किया था लेकिन खिलाड़ी ने उसे निष्कासित किया। 20 सेकंड के खेल होता है,
डाबी और जोत का अगला मैच है, ग्राउंड में पहुंच जाए भाई, हाफ टाइम में सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। हाफ टाइम से पहले आखिरी रेड छोटे से खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। हाफ टाइम हाफ टाइम के पास स्कोर है 53-13। त्रेफाना के कैप्टन एक बार फिर से पहुंच चुके हैं हाफ टाइम की पहली रेड लगाते हुए। वो अपने खेल को अपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनका काम है खाली रेड करना और अपने कैचिंग पे ज्यादा फोकस करते हुए। रेफरी को भी बताते हुए कि जीव निकाल रहे हैं, रेफरी को रेफरी का काम करने दीजिए आप। लालू जी आप उनके काम में हस्तक्षेप मत कीजिए। लालू नाम से थोड़ा तेजी से इनके साथ काफी ज्यादा वास्ता होता है। अच्छा ट्राई, अच्छी कैच करते हुए एक और पॉइंट का इजाफा होता हुआ ठुइया का। हाफ टाइम के बाद 4 पॉइंट। कैप्टन काफी आक्रामक है, शायद अफरीदी से भी ज्यादा। लालू ने आते इंडक्शन दिया अपने टीम को कि ब्लॉक मारना है बाहर। और लालू के इशारा मिलते ही उनकी टीम ने लालू प्रमोद ने लालू से पूछा रेड के लिए, लालू से परमिशन मिली कि जाइए रेड के लिए और प्रमोद ने अपनी रेड शुरू की। त्रेपाना के कैप्टन दो रेड 2 पॉइंट मिलते हुए प्रमोद को। छोटे से बच्चे ने रेड शुरू की है। खेल चाहे कैसा भी हो, जो इनकी एक हिम्मत है, जो जुनून है खेल के प्रति, वही जुनून की हमारी आज की जो पीढ़ी है उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। एक एग्जांपल सेट करते हुए ये बच्चे स्कोर पहुंचा 4-17। डब्बी और जोत का दोनों टीम ग्राउंड में पहुंच जाए। कमेटी की तरफ से अनाउंस हुआ है जो टीम पहले पहुंचेगी उन्हें टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा। जो टीम पहले पहुंचेगी उन्हें टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा और रेड कोर्ट भी उन्हीं की चॉइस होगी। ग्राउंड के डी के अंदर पहुंच जाए टीम। दो पॉइंट मिलते हुए लालू बाहर की टीम पे ज्यादा ध्यान दे दिया है। पहले जो टीम आई है अपना नाम बताए भाई। जोतिया की टीम पहले पहुंची है, रेड और कोर्ट की चॉइस उन्हीं की होगी और एक पॉइंट का भी उनको बेनिफिट दिया जाएगा। जासल और जनाना भी तैयार रहे इसके बाद। यही सेम रूल लागू होगा, जो टीम अनाउंस हाफ टाइम के बाद जो टीम अगर नहीं पहुंची तो जो टीम पहले पहुंचेगी अनाउंसमेंट के बाद पहला पॉइंट उसी को दिया जाएगा। प्रमोद ने टच किया और 2 पॉइंट की ताल ठोकते हुए देखते हैं पेनल्टी बचा पाते हैं या नहीं ये खिलाड़ी। 1 मिनट शेष बचा है। गांगुली आके अपना कार्यभार संभाले हुए गांगुली हाफ टाइम से पहले शायद एक एक रेड और होगी। मैच अब से होने से पहले सॉरी
क्षमा चाहूंगा। बहुत ही अच्छी कैचिंग करते हैं खिलाड़ी ने, सुपर टैकल, तालियों से गांव वालों ने उसका उत्साह बढ़ाया। स्कोर पहुंचा है टुइया का 8 कोर्ट के 21 पे। निकालो 21 लास्ट रेड है, ये लास्ट रेड है। इस केस पे अगर ये कैच और लगा देते तो गांगुली निश्चित 100 रुपए देते उनको, बोला था उन्होंने। मैच फेपाना जीतते हुए, फेपाना 22